गुड आईएमसी फ्रेंड्स, मैं मानसी युवराज हंस आप सभी का स्वागत करती हूं आज के स्पेशल प्रोग्राम में। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज का प्रोग्राम इतना खास क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने स्पेशली डिजाइन किया है अपने आईएमसी लीडर्स, आईएमसी कंज्यूमर्स एंड आईएमसी एसोसिएट्स के लिए, जो किसी भी तरह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स एंड आईएमसी बिजनेस या आईएमसी ब्रांड के साथ किसी भी तरह जुड़े, जो लोगों को आईएमसी प्रोडक्ट्स के बारे में, आईएमसी मिशन के बारे में जागरूक करा रहे हैं। हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम देखने के बाद जो लोग आईएमसी से जुड़े हैं उनका विश्वास और भी बढ़ जाएगा, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग आईएमसी का दामन हमेशा के लिए थाम लेंगे। दोस्तों, आईएमसी यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट मार्केटिंग में आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है, और जहां लोगों को स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को शानदार बिजनेस प्लान देकर उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बना रही है। तो आज पहले बात करेंगे हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स की। आईएमसी के जितने भी उत्पाद हैं उनके नाम में आप सबने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि हर प्रोडक्ट के साथ एलो शब्द यानी एलोवेरा का जिक्र जरूर आता है, जैसे कि एलोवेरा जूस, एलो जेल, एलो ज्योति, एलो फेस वॉश, एलो हैंड वॉश, एलो टूथपेस्ट, यानी अधिकतर प्रोडक्ट का नाम एलो से शुरू होता है। अब जो हमारे प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं और आयुर्वेदिक पदार्थों को जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि एलोवेरा को आयुर्वेद में सब जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एलोवेरा है तो एक बेहतरीन पौधा, लेकिन हर तरह का एलोवेरा इंसानी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। कुल मिलाकर एलोवेरा की 300 से लगभग प्रजातियां हैं, लेकिन केवल 4 तरह के ही एलोवेरा ऐसे हैं जो अपने औषधि गुणों के कारण यूज किए जाते हैं और लाभदायक साबित होते हैं। इन 4 तरह की प्रजातियों में केवल बारबेनिसिस मिलर एक ही वो प्रजाति है जो हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद है। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस खास एलोवेरा को किस तरह के वातावरण और देखभाल की जरूरत होती है, यही बताने के लिए आज के प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, ताकि एक आम इंसान अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा बना सके। तो जो बात मैंने एलोवेरा के बारे में अभी कही, वही बात हमारे आईएमसी के लीडर्स और डॉक्टर्स अपनी हर मीटिंग में कहते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें नई बात क्या बता रही हूं। तो दोस्तों, नई बात यह है कि आज हम आपको लेकर चलेंगे आईएमसी के एलोवेरा फार्म पर, जहां आप खुद देखेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से आईएमसी किस तरह एलोवेरा की खेती करती है, और हमारे अधिकतर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। तो आखिर हमारे पास कितने बड़े, कितने विशाल खेत हैं कि हम इतनी बड़ी मात्रा में एलोवेरा का उत्पादन करने में सफल हो पाते हैं। अब हम आपको साथ लेकर चलते हैं राजस्थान के खास क्षेत्र में, जहां के वातावरण को एलोवेरा की जैविक खेती के लिए वरदान कहा जाता है। आईएमसी ने पूरी रिसर्च के बाद कुछ वर्ष पहले इस जगह का चुनाव किया और यहाँ पर एलोवेरा की खेती आरम्भ की। आज आईएमसी की एंकर रजनी खुद एलोवेरा फार्म में मौजूद है। हाय रजनी, गुड आईएमसी। गुड आईएमसी मैम। Finally you are there. आप पहुंच ही गई आईएमसी एलोवेरा फार्म पर। जी, इस वक्त मैं आईएमसी के एलोवेरा फार्म हाउस से थोड़ी ही दूरी पर हूँ और आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की जर्नी पर, एक कभी ना भूलने वाली यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ और तैयार हो जाइए एक यादगार सफर के लिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आईएमसी के एलोवेरा फार्म में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईएमसी का एलोवेरा फार्म मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। ये 1 किलोमीटर अंदर इसलिए है ताकि वहाँ किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन ना पहुँच सके और आईएमसी के एलोवेरा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो चलिए मेरे साथ और मैं ले चलती हूँ आप सभी को आईएमसी के एलोवेरा फार्म में। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के मेन गेट पर खड़ी हूँ। जी हाँ, अंदर चलते ही आपको बाहरी दुनिया से एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ ना सिर्फ एलोवेरा की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है, बल्कि अंदर जितने भी किसान व उनके परिवार रहते हैं उनके लिए जो भी अन्न व सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो भी 100% जैविक हैं। यानी गेट के अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल, रसायन व अप्राकृतिक खाद की एंट्री ही मना है। दोस्तों, इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के मेन गेट से पहुंचकर सीधे पहुंच चुकी हूं आईएमसी एलोवेरा फार्म में। अगर आप मेरी दाईं तरफ देखते हैं तो आपको ज्वार की फसल नजर आएगी, और साथ ही अगर आप मेरी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको बरसम की फसल नजर आएगी, जो कि खास तौर पर गाय के चारे के लिए उगाई जाती है, और इसका खास ध्यान रखा जाता है हमारे आईएमसी एलोवेरा फार्म्स में रह रहे किसानों के द्वारा, जो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन सभी फसलों पे किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल ना हो। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप नजर घुमाते हैं पीछे देखेंगे एक खाली फील्ड, इस फील्ड पर गेहूं की खेती होती है जो कि अभी कट चुकी है, और अगर आप चारों ओर नजर घुमाते हैं तो आपको दिखेगा कि कितनी खूबसूरती से फवारे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे पशुओं का पालन पोषण होता है, यानी कि हमारे पशुओं के
तबेले में। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गाय बांधी जाती है। इन पशुओं को यहाँ पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनके गोबर से जो खाद बने उसे हम IMC के एलोवेरा फील्ड में इस्तेमाल कर सकें। हम केचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं जो कि पीछे कंपोस्ट हाउस में मौजूद है। गोबर को खाद के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम चाहें तो हम बाहर से भी खाद मंगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IMC के एलोवेरा फार्म्स की खेती की जाती है वो 100% ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसलिए हम पशुओं के खान पान का खास ध्यान रखते हैं ताकि इन्हें जो भी खान पान मिले वो 100% ऑर्गेनिक हो और उसके बाद जो हमें खाद मिले वो भी 100% ऑर्गेनिक हो। इसके बाद मैं अब आपको लेकर चलने वाली हूँ IMC एलोवेरा फील्ड्स की कल्टीवेशन प्रोसेस पर। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं IMC एलोवेरा फार्म के उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर एलोवेरा का कल्टीवेशन प्रोसेस चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बेबी एलोवेरा को लगाया जा रहा है और ये बेबी एलोवेरा 2 से 2.5 साल तक का वक्त लेता है पूरी तरह से तैयार होने के लिए। इसकी नियमित रूप से देखभाल की जाती है ताकि ये आपके पास बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में पहुंच सके। और साथ ही अगर आप पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेबी एलोवेरा कितना बड़ा हो चुका है और पानी से इसकी पूरी तरह से अच्छे से सिंचाई की जा रही है। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ IMC एलोवेरा फार्म के दूसरे हिस्से में। दोस्तों, इस वक्त मैं उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर IMC का एलोवेरा 1 साल का हो चुका है और इसकी नियमित रूप से देखरेख की जाती है ताकि ये बेहतरीन क्वालिटी में आप सबके पास पहुँचे। और आप देख सकते हैं कि हमारे किसान किस तरह से IMC के हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करके IMC के फील्ड्स में IMC के एलोवेरा फील्ड्स में स्प्रे कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी इतनी अच्छे से देखरेख कर रहे हैं कि आपको एहसास हो चुका होगा कि IMC जो कहती है वो करके भी दिखाती है। शुरुआत से लेकर अंत तक IMC हर चीज में 100% ऑर्गेनिक तरीके से काम करती है और ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका रिजल्ट भी देती है। दोस्तों, अभी मैं IMC एलोवेरा के दूसरे फार्म पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ऑर्गेनिक एलोवेरा उसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे कि आपने पहले देखा। और इस फार्म के अंदर अभी जो एलोवेरा है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है और कटने के लिए रेडी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा है। चारों तरफ इतनी हरियाली है कि दिल खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के एलोवेरा में इतने औषधीय गुण हैं कि वे पूरे के पूरे फार्म्स को और पूरे के पूरे वातावरण को प्योर और फ्रेश कर देते हैं। और जब भी मैं सांस ले रही हूँ ऐसा फील हो रहा है मानो ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही मिल रहा है और ये एहसास सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस जगह पर जहाँ पर एलोवेरा की टेस्टिंग प्रोसेस चल रही है। दोस्तों, ये देखिए, एलोवेरा की पत्तियां 2 से 2.5 फीट लंबी हो चुकी हैं और कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको काटने से पहले फार्म के अलग अलग हिस्सों से इनको लाकर इकट्ठा किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या वाकई एलोवेरा कटने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एलोवेरा को काटने से 2 दिन पहले 6 से 8 घंटे तक इनमें लगातार पानी दिया जाता है ताकि काटने के बाद एलोवेरा हरा भरा और फ्रेश रहे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और ये फव्वारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद इन खेतों की कटाई होने वाली है और इन पूरे फार्म्स को कटने में कम से कम 20-25 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों, ये देखिए, इन एलोवेरा की पत्तियों को फार्म के अलग अलग हिस्सों से लाकर चेक किया जा रहा है कि क्या ये वाकई कटने को तैयार है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन एलोवेरा की पत्तियों की हाइट 2 से 2.5 फीट है और साथ ही साथ इनका वजन 700 से 800 ग्राम है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सैंपल चेक हो रहा है और ये बताएंगे कि क्या ये कटने को तैयार है या नहीं। तो देखिए, इन्होंने इशारा किया कि ये कटने के लिए तैयार है। अब बाकी हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर एलोवेरा का कटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एलोवेरा को काटने का ऑर्डर दे दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एलोवेरा को काटने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसे काटने के लिए एक खास महारत की जरूरत होती है, जैसे कि निश्चित दूरी पर जमीन से थोड़ा सा ऊपर चाकू की तेज धार के साथ इसे काटा जाता है और फिर बॉक्सेस में भरकर इसे पिकअप वैन तक पहुँचाया जाता है लोडिंग के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर खास एक्सपर्ट भी मौजूद है जो इस बात की देखरेख करते हैं कि एलोवेरा सही ढंग से कटे और IMC फैक्ट्री तक एकदम सही ढंग से पहुँचे ताकि आपके पास सही सलामत पहुँच सके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। एलोवेरा को काट कर ट्रक में भरा जा रहा है और इसके बाद ये सीधा पहुंच जाएगा IMC फैक्ट्री हरिद्वार, जहां पर इस एलोवेरा को IMC के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, पहले मैं जब भी कभी IMC के प्रोडक्ट्स को देखा करती थी, एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी कि IMC अपने हर प्रोडक्ट में एलो शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी कि IMC अपने हर प्रोडक्ट में एलोवेरा का इस्तेमाल करता है, तो आखिर IMC के पास इतना एलोवेरा आता कहाँ से है। लेकिन इन फार्म्स को देखने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। ये इतने विशाल और हैरान कर देने वाले हैं कि IMC और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ करने के लिए मेरे पास लफ्ज कम पड़ रहे हैं। तो आज हमने IMC के दोनों फार्म्स में एलोवेरा लगने से लेकर मैच्योर होकर एलोवेरा कटने तक का पूरा प्रोसेस देखा। ये पूरा प्रोसेस बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है,
ताकि IMC प्रोडक्ट्स का जो भी इस्तेमाल करे वो बारबाडेंसिस मिलर एलोवेरा का भरपूर फायदा उठा सके। और दोस्तों, इसी के साथ IMC का भी यही लक्ष्य है, मेक हेल्दी मेक वेल्दी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, गुड IMC। गुड IMC। वाह भाई वाह, मजा आ गया, वाकई कमाल का सफर था IMC के एलोवेरा फार्म्स का। इसको देखकर तो हर कोई यही कहेगा कि IMC के प्रोडक्ट्स, IMC का नाम और IMC का काम हर तरह से वर्ल्ड लेवल का है। हाँ, वीडियो को देखते हुए और रजनी की बातें सुनते हुए दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा था कि ऐसा ऑर्गेनाइज और कमाल का काम कर दिखाने के लिए उस शख्स को सलाम करने को दिल करता है जिसने पहले पहले उसकी कल्पना की और फिर उस कल्पना को साकार भी कर दिखाया। जी हाँ, मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ IMC के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी एंड IMC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी की। ये उन्हीं का विजन था जो आज साकार होकर हम सबके सामने है। आखिर उन्होंने क्या सोचकर इस महान विचार का बीज बोया जो आज विशाल वृक्ष बन चुका है। एलोवेरा की ऑर्गेनिक खेती, IMC के प्रोडक्ट्स और IMC के बिजनेस को आज इस मुकाम तक ले आने का काम वो कैसे पूरा हुआ, इसका जवाब जानने के लिए मैं खुद उनसे मिलने का अवसर तलाश कर रही थी जो आज जाकर पूरा हुआ। और अब डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी मेरे साथ हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं उनके इस विजन के बारे में, इस अचीवमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे शो में आए। गुड IMC। गुड IMC। IMC के हर प्रोडक्ट में एलोवेरा यूज किया जाता है, ऐसा क्या है कि एलोवेरा को इतना महत्व दिया जाता है? एलोवेरा को इस्तेमाल करने के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि केवल एलोवेरा ही दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जो हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और साथ ही ये हमारी आउटर ब्यूटी के लिए भी लाभदायक है। एलोवेरा दो मुख्य काम करता है, एक तो बीमारियों से लड़ता है और दूसरा शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। एलोवेरा में जो सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, इसके अलावा एलोवेरा 250 से अधिक रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कई लोग इसे साइलेंट हीलर कहते हैं, यानी जो चुपचाप अपना असर दिखा दे। आयुर्वेद में तो इसे बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त है। एलोवेरा बीमारियों के अलावा खूबसूरती के लिए, शरीर के कोई भी अंग जल जाए उसको ठीक करने में ये बहुत ही लाभदायक है। IMC ने बहुत साल पहले ही खेती शुरू कर दी थी एलोवेरा की, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आजकल खान पान में मिलावट और केमिकल का उपयोग बहुत ज़्यादा भर चुका है और जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। शरीर पर इन केमिकल्स के असर को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। हमें आइडिया हो गया था कि आने वाले समय में इसकी कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ने वाली है, इसके लिए हमने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। सर, IMC ने एलोवेरा के साथ साथ आयुर्वेद के खजाने में बहुत से शानदार प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए हैं जिनसे आज लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज स्वस्थ भारत में एलोवेरा के प्रोडक्ट का लोग बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन देना है। इसलिए अब हम आयुर्वेद की ताकत से भरपूर IMC के प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज IMC अपने बिजनेस को बहुत से देशों में लॉन्च करने जा रही है। लोगों की फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ने ये प्रूव कर दिया है कि आयुर्वेद में रोगों से बचाने की जबरदस्त क्षमता है, इसलिए हम हर व्यक्ति को IMC परिवार का हिस्सा बनने की सलाह देते हैं। IMC के प्रोडक्ट्स को अपनाने से लोग न केवल फिजिकली हेल्दी रहेंगे बल्कि वो इससे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होंगे। इससे देश का पैसा देश में रहेगा और देश भी आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। इसलिए तो हम कहते हैं स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। जाने से पहले मैं और हमारे दर्शक आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच। गुड IMC। गुड IMC। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी मुलाकात IMC के चेयरमैन एंड फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ।
दोस्तों, क्योंकि हम अपने भीतर के शरीर को साफ नहीं कर सकते, इसलिए कुदरत ने हमारे लिए आयुर्वेद का सृजन किया और एलोवेरा आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। आज आपने देखा कि किस तरह से आईएमसी ने कुदरत के इस अहम खजाने यानी एलोवेरा की इम्पोर्टेंस को समझा और न सिर्फ उसके इस्तेमाल से आईएमसी के प्रोडक्ट्स को घर घर में पहुंचाया, बल्कि आईएमसी के फार्म्स में एलोवेरा की खेती पूरी तरह से जैविक हो इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान दिया। और ये सब चीजें खास तौर पर आईएमसी कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी, आईएमसी कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी के मार्गदर्शन में किया जाता है। दोस्तों, आईएमसी कंपनी अपनी हर छोटी से छोटी बात का खास ख्याल रखती है। आईएमसी का हर प्रोडक्ट कई तरह के टेस्ट से गुजर कर कम्प्लीट R&D के बाद आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि आईएमसी के लिए उसके कस्टमर महज सिर्फ कस्टमर्स नहीं बल्कि आईएमसी के परिवार का एक अहम हिस्सा है। यही आईएमसी का मिशन है कि आयुर्वेद का ज्ञान दुनिया के कोने कोने तक फैले और हर इंसान स्वस्थ रहे। इसी संदेश के साथ कि आप आयुर्वेद को, एलोवेरा को और आईएमसी को अपने जीवन में अपनाएंगे और स्वस्थ जिंदगी के साथ साथ आर्थिक रूप में भी स्वयं और अपने परिवार को संपन्न बनाएंगे। इसी बात के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगी, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए गुड आईएमसी।